संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? संपूर्ण पवित्र बनने का तरीका क्या है, विधि क्या है, क्या करें जो हम संपूर्ण पवित्र बन जाए? क्या विधि है? संपूर्ण पावन बनना है तो उससे पहले पूरा पूरा बैगर बनो। संपूर्ण बैगर बनेंगे तब आप संपूर्ण पवित्र बनेंगे। बैगर जितना बनेंगे उतना तुम पवित्र बनेंगे। ये तो नई मुसीबत खड़ी कर दी है बाबा ने। संपूर्ण बैगर बनना माना? हां जी, मेरा कुछ भी नहीं इस संसार के अंदर, मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो सब बाबा का है। जो कुछ भी है वो सब बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये बात हमारी बुद्धि में आ जाए। जैसे ये बात हमारी बुद्धि में आएगी तो हम अपने आप को पूरा पवित्र बना सकेंगे। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। पूरा पवित्र बनाने का मतलब है कि हमारे पास सिवाय आत्मस्मृति के और कोई स्मृति ना हो। संसार की किसी भी चीज को मैं यदि मेरा कह रहा हूं, संसार की किसी भी चीज को मैं यदि मेरा कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ अपने साथ चिपकाए हुए। यदि कुछ भी मेरे साथ चिपका हुआ है तो मिला हुआ है तो अपवित्रता है ही है। कुछ भी मेरा कहने के लिए मेरे पास है तो मैंने कुछ ना कुछ अपने साथ चिपकाया हुआ है, और जब चिपका दिया है, मिक्स कर दिया है, तो मैं बैगर नहीं। कह दिया किसी को देह सहित, जिसके लिए बाबा ने बहुत पुरानी लाइन हमें दी हुई है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल और मुझे एक बाप को याद करो। सिर्फ मेरा कहना मानो और किसी का भी कहना नहीं मानो। यहां तक अपनी देह का कोई कहना नहीं मानना, देह के किसी संबंध का कहना नहीं मानना, क्योंकि उनको आप भूल गए हो, क्योंकि तुम मर चुके हो इसलिए उनको भूल गए हो, तब पावन बनेंगे। आंखों से जो कुछ भी देखते हो, आंखों से जो कुछ भी देखते हो, ये सब विनाश होना। कुछ भी आपके साथ नहीं चलना है। हम एवं इनको मेरा मेरा कह रहे हैं, ये देह भी मेरे साथ नहीं चलनी, देह का कोई संबंधी मेरे साथ नहीं चलना, और जिन वस्तुओं को मैं मेरा मेरा कह रहा हूं वो भी मेरे साथ नहीं चलनी। इसलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब भूल जाना है, आदि सब भूल जाना है, तब बैगर बनेंगे। ऐसे बैगर जो ऐसे भूल जाते हैं, जो ऐसे बैगर बनते हैं, वही फिर प्रिंस बनते हैं। जो बैगर बनते हैं वही फिर प्रिंस बनते हैं।